नमस्कार, आप सबका स्वागत है। सराव होटल के मालिक की ओर से अपनी पत्नी को गोलियां मारकर हत्या करने के मामले में अब आरोपी पिता के बेटा बेटी ही उसे सजा दिलवाने के लिए कोर्ट में अपना मुख्य किरदार निभाएंगे। पुलिस ने मोहाली कोर्ट में मामले से संबंधित चालान पेश किया है। पुलिस ने 150 पन्नों के चालान में वारदात की पूरी कहानी बताई है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी निरंकार सिंह के इंग्लैंड में बैठे बेटे लवप्रीत सिंह तथा इंग्लैंड निवासी बेटी अमनप्रीत सराव को मामले में मुख्य गवाह बनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को कोर्ट में पेश न होने के लिए उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए हैं। हाल ही में इंग्लैंड में बैठे बेटे लवप्रीत सिंह और बेटी अमरप्रीत कौर की ओर से मोहाली को ईमेल लिखकर निवेदन किया था कि उनकी मां कुलवंत कौर की हत्या करने वाले उनके पिता निरंकार सिंह को सख्त सख्त से सजा दिलवाएं। दोनों बेटा बेटी ने कहा था कि उनके पिता उनकी मां को काफी समय से परेशान करते आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी निरंकार सिंह उम्र 62 साल के मोहाली के फेज 10 में होटल है। वह सुबह पत्नी के साथ कहीं जाने के लिए कार में सवार होकर निकले थे। गाड़ी थोड़ी दूर चली ही थी कि शहर के मानव मंगलवार स्कूल के पास दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और आरोपी पति ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से पत्नी के शरीर पर 6 की 6 गोलियां दाग दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद आरोपी खुद भी कार के पास ही सड़क पर सिर पर हाथ रख के चुपचाप लेटा रहा। निरंकार हार्ट पेशेंट हैं। आज उनका PGI में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी तो वे पत्नी के साथ वहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि निरंकार आपा खो बैठे और होटल से आधा किलोमीटर दूर मानव मंगलवार स्कूल के सामने कार में ही 32 बोर के लाइसेंसी रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां पत्नी के चेहरे पर दाग दी। दाश इसके बाद निरंकार खुद सड़क किनारे फुटपाथ पर सिर पकड़ बैठ गए। राहगीरों ने जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला तो कुलवंत का खून से सना शव सड़क पर ऑन द मूव गिर गया। फोर्टिस हॉस्पिटल में कुलवंत को मृत घोषित कर दिया गया। निरंकार को थाने ले गए और उनकी रिवॉल्वर, कुलवंत का पर्स और अन्य कुछ सामान कब्जे में ले लिया गया है। उनकी तबीयत खराब होती देख पुलिस को थाने में ही होटल से उनकी सारी दवाएं मंगवानी पड़ी। निरंकार सराव होटल के ऊपर ही रहते हैं। उनके बेटा बेटी शादीशुदा हैं और इंग्लैंड में रहते हैं। कुलवंत कौर को अगले हफ्ते UK वापस जाना था। 6 गोलियों से कुलवंत कौर का पूरा मुंह छलनी हो गया। जब पुलिस पहुंची तो वे ऑन द मूव पड़ी थी, लेकिन सिर से एक भी गोली बाहर नहीं निकली थी। SHO के मुताबिक डिटेल्स पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होंगी। फिलहाल सिर के पिछली तरफ कोई सुराख नहीं दिख रहा है।